नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल अपना स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इन्फीबीम एवेन्यू के रिगार्डिंग। और आपको अगर याद होगा, जो लास्ट वीडियो मैंने इन्फीबीम पे बनाया था 2-3 दिन पहले, तो आपको एक चीज और बोली थी, कल के दिन भी बनाया था कि भाई यहाँ पे माल खरीदा जा रहा है, डरोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सेल की गलती मत करना। इस स्टॉक के अंदर क्या सारी चीजें हैं पॉजिटिव जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे, प्लस आगे के लिए क्या करना उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और वो गलती जो जनरली हम लोग कर देते हैं जाने अनजाने, उनको ना करें, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ सके। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे सारी चीज अपडेट हो जाती है। बीसीजी के अंदर अपडेट ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। फिर इन्फीबीम की बात करें, 5.49% की तेजी के साथ स्टॉक 35.55 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। डे एंड पे पॉजिटिव क्लोज हो नेगेटिव क्लोज हो, हर बार बोलता हूँ, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पिछले 5 दिन की बात करें, स्टॉक लगभग फ्लैट है। पिछले 1 महीने की बात करें, 1% की तेजी, जबकि 6 महीने में 143%, 1 साल में 122% के रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिले। पिछले 5 दिन में देखें, इसमें सारी चीज अच्छी न्यूज आने के बाद तेजी हुई, उसके बाद स्टॉक फिर से गिर गया। और ये चीज मैंने अपने कल के वीडियो में और उससे पहले के वीडियो में भी बोली थी कि फ्रेंड, हमेशा हर चीज के दो पहलू होते हैं, अगर आप दूसरा पहलू नहीं देख पा रहे हैं तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कोई भी स्टॉक जो मार्केट प्रेशर में अगर टूटता है और मार्केट सही होने पर रिकवर करता है, तो उससे अच्छे स्टॉक्स नहीं होते, क्योंकि वो टेक्निकली चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और जब कोई स्टॉक टेक्निकली चीजों को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स वो मार्केट में आपको स्टेबिलिटी देगा। 40 रुपए का रेसिस्टेंस था, वहीं पे आके स्टॉक गिरा। और ये चीज तब भी बोली थी जब स्टेक इन्होंने एक्वायर किए थे एक्सट्यूज के अंदर 20% के आसपास, तब भी बोला था कि आप सोचेंगे अगर 40% नॉन स्टॉप जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, और एग्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिला था। अब सवाल ये कि वहां तक जाएगा कब और जाएगा तो कितना जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देते, क्योंकि इस स्टॉक को लगभग 2-3 साल से मैं कवर करता आ रहा हूँ और वहां पे आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, जितना भी एक्सपीरियंस इस स्टॉक के रिगार्डिंग मेरा है। अभी की बात करें, आज के दिन 12:30 या फिर 1 बजे के आसपास तक देखें तो 51,33,000 स्टॉक्स ट्रेड हो चुके हैं, 12,36,000 की डिलीवरी देखने को मिली है, डिलीवरी परसेंटेज 24। जैसा कि मैं बहुत बार बता चुका हूं, इस स्टॉक के अंदर इंट्राडे लेवल पे ज्यादा चीजें चलती हुई देखने को मिलती है। एनएससी पे भी देखेंगे तो एनएससी पे 12 बजे तक के डेटा के हिसाब से 27% की डिलीवरी है, 68 लाख के आसपास वॉल्यूम केवल यहाँ पे उठाया गया है। अब सवाल यह है कि इस स्टॉक के अंदर रैली आ क्यों गई और इस स्टॉक के पीछे रैली के कारण क्या है। तो फ्रेंड, यहाँ पे दो चीज, वैल्यूएशन वो चीज है जो स्टॉक के अंदर अगर तेजी है तो उसको गिरा देती है, अगर गिरावट है तो तेज कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से मार्केट के हिसाब से स्टॉक अपनी वैल्यू के पास नहीं है। सपोर्ट आपके साथ शेयर किया था, कल के दिन स्टॉक सपोर्ट के पास गया और ऊपर लौटता हुआ देखने को मिला। तो सपोर्ट मतलब ये एक वैल्यूएशन है, एक डिमांडिंग जोन है स्टॉक के लिए, जहां पे स्टॉक में रिकवरी आती हुई देखने को मिली। एक और चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, इस तेजी का मतलब यह नहीं है कि स्टॉक फिर से 40 पहुंच जाएगा। इस तेजी का मतलब यह है कि भाई ये इसका सपोर्ट है और मैं सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा हूं, और यहां से स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। मगर तेजी असली तेजी कब आएगी उसका मैं आपको यहां पे थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा। फिर इस स्टॉक के अगर चार्ट को थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके देखें और थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, तो इस स्टॉक में मेनली जो तेजी ऐसा कभी नहीं देखा गया जनरली, जो क्वार्टर के नंबर है उसके बाद इसमें तेजी बहुत ज्यादा आती हुई देखने को मिली। यहाँ पे क्वार्टर के नंबर देखें, यहाँ पे क्वार्टर के नंबर देखें, इसमें तेजी जनरली आती है क्वार्टर के नंबर आने के 2-4 दिन बाद, क्योंकि कंपनी वहां पे करती है जो नॉर्मली अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट, जैसे कि स्टेक एक्वायर करना, जैसे कि कंपनी अपनी एजीएम मीटिंग में कभी कभी आउटपुट के साथ मेंशन कर देती है कि भाई हमने एक कंपनी के अंदर स्टेक खरीद लिया, हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी रही और हमने सब कुछ अच्छा किया, वो क्वार्टर के नंबर अगर साथ प्रेजेंट कर देती है तब आती है क्वार्टर के नंबर के बाद तेजी। और अब कंपनी के साथ हो चुकी है बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जिसकी मदद से स्टॉक में ये मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टर फोर के नंबर से पहले जहां तक पर्सनली मुझे लगता है स्टॉक 45 रुपए की रेंज तक आराम से पहुंच सकता है, उसके पीछे का रीजन है कंसिस्टेंट ग्रोथ, इसके अलावा एआई के फील्ड के अंदर इनकी एंट्री और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर देखने को मिल रहा है। ये चीजें मैं बहुत बार, जो पुराने लोग हैं जानते हैं, इस चीज को मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, और ये चीज अगर आप इसको भूल जाते हैं बार बार तो आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है। मिडिल ईस्ट मार्केट के अलावा यूएस मार्केट के अंदर कंपनी यहाँ पे मूव करेगी और वहां पे फोकस यहाँ पे देखने को मिलेगा। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, एक बार 40 के पास रेसिस्टेंस ले चुका है, उसके बाद दोबारा 40 के पास एक बार और रेसिस्टेंस लेगा स्टॉक, और उसके बाद तीसरी बार अगर वहां तक पहुंचा तो एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के फंडामेंटल बेसिस के हिसाब से स्टॉक बहुत ज्यादा मजबूत है, इंडस्ट्री के पी के हिसाब से स्टॉक का पी बेशक आपको ज्यादा देखने को मिलेगा,
मगर कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का पित्रोसी स्कोर 6 का है, डिविडेंड प्रोवाइड कराती है, इसके अलावा सेल्स के अंदर कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेल्स मेरे ख्याल से अगर पिछले दिसंबर क्वार्टर की सेल्स को कंसिडर करें तो इसमें जो जंप देखने को मिली, मार्च के क्वार्टर में जनरली सेल्स इनकी ज्यादा रहती है, तो मेरे हिसाब से 1000 करोड़ तक की सेल्स यहाँ पे कंपनी प्रेजेंट कर सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। वहीं पर बात करें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, FIDIs की हिस्सेदारी इसमें ठीक ठाक बनी हुई है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर इसमें काफी ज्यादा है। अब इस तेजी के पीछे के कारण क्या है, पहले ही मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को नहीं मालूम, उनको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता होगा 24 तारीख को कंपनी ने अपडेट दिया। नॉर्मली हम लोग मोस्टली लोग जो है वो केवल ऊपर ऊपर की अपडेट देते हैं कि 20% स्टेक एक्वायर कर लिए, मगर डिपेंड ये करता है किस कंपनी में एक्वायर किया। कई BCG की तरह ऐसी कंपनी में एक्वायर तो नहीं किया जिस कंपनी का नाम भी ना सुना हो, मगर जिस कंपनी में एक्वायर किया वहां पे सबसे बड़ी चीज जो इनके लिए थी, ये चीज मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, जिन लोगों को नहीं पता उनको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये जो कंपनी है वो ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है INC 5000 कंपनी भी गोल्डमैन सैक के द्वारा, यानी कि ये बहुत बड़ा नाम है और इनसे जो सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज्ड कंपनी होती है, रिकॉग्नाइज्ड कंपनी होती है, उनमें जनरली ग्रोथ देखने को मिलती है। और ये जो कमिटमेंट किया गया, ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो इसलिए किया गया ताकि US मार्केट को टैकर किया जाए, और US मार्केट भी काफी बड़ा है। जनरली आपने देखा होगा इन्फीबीम इंडियन मार्केट को कम टैकल करती है क्योंकि बाहर के मार्केट्स पे इनका फोकस थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। मनी कंट्रोल के हिसाब से देखें तो 100% लोगों की राय बाइंग की है, मगर ये जो 100% लोगों की एडवाइस है ये जनरली चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम बदलती रहती है, मगर ओवरऑल देखें तो स्टॉक के अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी इंक्रीज हुई है, FIFPIs की हिस्सेदारी इंक्रीज हुई है, कोई भी यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डर जो है या कंपनी के प्रमोटर का कोई भी हिस्सा यहाँ पे प्लेस नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बोला इंट्राडे लेवल पे काफी सारी चीजें होती हैं, 4 करोड़ का वॉल्यूम ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है और जिस दिन इसमें 15-20 करोड़ का वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिला तो स्टॉक में आपको जबरदस्त जंप देखने को मिलेगी। 11 यहाँ पे स्ट्रेंथ है, 1 वीकनेस है, और मेरे हिसाब से ओवरऑल स्टॉक कहाँ क्लोज होता है वो मैटर नहीं करता, आप कितना टाइम देते हैं वो मैटर करता है। कई सारे लोगों के सवाल थे सर इस स्टॉक में क्या किया जाए, खरीदें बेचें क्या करें, तो फ्रेंड अगर कंफ्यूज रहेंगे हर 2-3 दिन बाद तो आपको कोई फायदा यहाँ पे किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं होने वाला, चाहे इस स्टॉक की बात करें या अदर स्टॉक की बात करें। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 30 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ या 29 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बने रहते हैं, 40 के रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अगर स्टॉक की जो रैली है 50 रुपये तक आपको देखने को मिल सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली 45-50 रुपये तक जो स्टॉक है अपने नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। प्लस कंपनी जिस तरीके से एग्रेसिवली काम कर रही है AI के ऊपर भी, तो उसका इनपुट भी आता हुआ इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। डिस्क्लेमर के लिए बता देता हूँ, मेरे पास ये स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में और मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म के लिए किया, शॉर्ट टर्म के लिए मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ किसी भी स्टॉक के अंदर। और आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिएगा कि आपको कितने टाइम के लिए कितना अमाउंट लगाना है, किसी भी स्टॉक में कितना भी अच्छा हो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगाना चाहिए, ये चीज भी मैं आपको बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ। तो फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, कंपनी की तरफ से मोस्ट प्रोबेबली और खुशखबरी आपको आती हुई देखने को मिलेंगी तो उनको भी कवर करूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।